पास्ट में क्या आएगा, मैं बना देता हूं, डिड। और थर्ड फॉर्म इसका क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा डन। देखिए आपके सामने मैंने एक पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल शर्मा, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुडविल का अड्डा, जो कि एक बहुत ही फेमस चैनल है जिसमें आपको मिलती है एजुकेशन की बहुत सारी वीडियो। और आज का हमारा विशेष टॉपिक है कि इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे, हाउ टू लर्न इंग्लिश। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और कुछ आपके लिए क्यूज छोड़े हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही बेहतर है। तो उसको देखने के लिए हमको चलना है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आपको बताया गया है कि इंग्लिश कैसे सीखें, उसके लिए मेरा टॉपिक यहाँ पे है। देखो कुछ ये एक्सरसाइज मैंने दी है। सबसे पहले लेते हैं हाउ मेनी टेंस इन इंग्लिश, इन इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है, इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री मेन टेंस एंड दे आर ईच फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच सम अप टू 12 टेंस इन द टोटल। यानी इसका मतलब है ग्रामर में मोस्ट प्रोबेबली आपके तीन टेंस होते हैं, थ्री टेंस, जिसमें से सबके अलग अलग, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरीके के जो तीन टेंस हैं इनके चार चार क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरीके से होते हैं। तो वो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टेंस में क्या करना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने का मौका मिल रहा है कुणाल शर्मा के साथ। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जो 12 टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए पहला टेंस है आपका, पहला यहाँ मैं डाल देता हूँ, पहला टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आपका पास्ट स्टार्ट हो गया है, पास्ट में भी सेम वही कैटेगरी रहती है। इसके बाद फ्यूचर आपका चलता है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तरीके से 12 आपके हो जाते हैं, ये सारे टेंस होते हैं। इनको कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। सिंपल ये भी ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने एक फॉर्म दिया है जिसमें आपका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिकुलर, इसको समझो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। तो इसमें कैसे बनाना है, क्या करना है, देखिए जहाँ पे भी ये क्वेश्चन मार्क है उन क्वेश्चन मार्कों को फिल करना है। मान के चलिए यहाँ पे क्या आएगा, पहला प्रेजेंट में डू है तो पास्ट में क्या आएगा, मैं बना देता हूँ डिड। और थर्ड फॉर्म इसका क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा डन। देखिए आपके सामने मैंने एक पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट जैसे किया है मैंने, देखो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। मान के चलिए कि अभी मैं आपको एक बना के देता हूँ, पहला वाला जहाँ पे ये वाला, तो पहले में बी फर्स्ट फॉर्म में और लास्ट वाले में आएगा बी। इस तरीके से जो मैंने बनाई ये आपका दो मैंने बना चुका हूँ। आप कैसे बनाएंगे ये, आप बाकी के जो ये नीचे का विकल्प है ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ, या इनको रेड कर देता हूँ, जो रेड है इसको आपको खुद से बना के मुझे शेयर करना है, कमेंट में आप शेयर करना है कैसे आपको बनेगी। साथ ही साथ आपको अगर और अच्छी वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।